उदयपुर से जानकारी मिल रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट है। ब्लास्ट किट के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लास्ट किट को लेकर के पुल उड़ाने की किसकी साजिश थी। उदयपुर से यह बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में एनआईए सूत्रों से एक बड़ी अपडेट मिली है और बड़ी जानकारी ये कहती है कि कहीं ना कहीं ब्लास्ट किट को बनाने में विदेशी एक्सपोर्ट हैंडलर ने मदद की थी। ये बहुत बड़ा इनपुट मिल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो विदेशी एक्सपोर्ट हैंडलर हैं उन्होंने लोकल क्रिमिनल की बम बनाने में मदद की थी। उदयपुर रेलवे ट्रैक को धमाके में 1.5 किलो इमल्शन विस्फोटक मिला था और बहुत बड़ी साजिश थी उदयपुर रेलवे ट्रैक को उड़ाने की, वहां पर दहशत पैदा करने की। धमाके में लोकल ब्लास्ट किट का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट किट को बैटरी से संचालित किया गया था। एनआईए सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। ब्लास्ट किट को रेलवे ट्रैक पर फिट करने में स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई थी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्लास्ट को लोकल नेटवर्क की मदद से अंजाम दिया गया था। तो एक बार फिर से बड़ी खबर के बारे में जानकारी आपको दे दें। एनआईए के हवाले से कई बड़े खुलासे हुए हैं और कई बड़ी जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों ने भी मदद की थी ब्लास्ट किट को रेलवे ट्रैक पर फिट करने में और ब्लास्ट को लोकल नेटवर्क की मदद से अंजाम दिया गया था। बहुत बड़ा हादसे की साजिश यहां रची गई थी। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, एनआईए ने और क्या कुछ बताया है उदयपुर रेल ट्रैक को उड़ाने की साजिश को लेकर के? कई लोकल्स ने भी मदद की थी विस्फोटक लगाने में। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की टीम मौका वारदात पर परसों भी पहुंची थी और इसके अलावा कल रात भी मौका वारदात पर ही थी। साथ ही एनएसजी की टीम भी मौके पर थी, फोरेंसिक टीम, और जब तक की तफ्तीश में निकलकर सामने उसमें साफ तौर पर ये देखा गया है कि जो पैटर्न था वो दरअसल एक बैटरी ब्लास्ट की तरह था। इसमें कोई रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पहली बात। और दूसरा साफ निकलकर ये भी आया कि तकरीबन 1.5 किलो के करीब जैलेंटीन की छड़ी थी जिनका इस्तेमाल इस विस्फोट के लिए किया गया था। इसके अलावा जो मकसद था उस मकसद के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा जान माल की हानि देखा जा रहा है, लेकिन समय रहते इस गनीमत यह रही कि उस वक्त ट्रेन वहां से नहीं गुजर पाई थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला है कि जो लोकल नेटवर्क है उस लोकल नेटवर्क का सहारा लिया गया था। उसी लोकल नेटवर्क को किसी हैंडलर ने बताया इस किट को तैयार करने की ट्रेनिंग दी थी, वहीं पर ये किट तैयार की गई, उसके बाद इसको प्लान किया गया और अंजाम भी। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बड़ा धमाका करने की ये साजिश थी जिसके जुड़े खुलासे अभी सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्लास्ट को देखिए स्थानीय लोगों की मदद से भी अंजाम दिया गया और कई और लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे। आगे की तफ्तीश में पता चलेगा कि इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल थे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।